कहानी में हम देखते हैं कि अपने मैगुमी ने नोबारा को एग्जीक्यूटिव के पास छोड़ दिया है और फिर तभी उसकी नजर पड़ती है बिल्डिंग की ओर जहां से कर्टन हट चुका है। इससे ये बात तो समझ आ चुकी थी कि इतादोरी ने उस स्पेशल ग्रेड कर्स को मार दिया है, लेकिन तभी उसके पास सुकुना आ जाता है। सुकुना उसको बताता है कि उसका दोस्त इतादोरी उसकी बॉडी का कंट्रोल वापस नहीं ले पा रहा है, तो जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएगा सुकुना उसकी बॉडी कंट्रोल करेगा। और फिर वो गुस्से में इतादोरी का दिल निकाल कर वहां फेंक देता है ताकि जब भी इतादोरी उसकी बॉडी का कंट्रोल ले वो ऑन द स्पॉट मर जाए। और अब मैगुमी का प्लान यही था कि वो जैसे तैसे करके इतादोरी का हार्ट वापस रिपेयर करे। वो कन्विंस तो करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण हमें अल्टीमेटली फाइट देखने को मिलती है मैगुमी और सुकुना की। ये दोनों ही आपस में काफी लड़ते हैं। अपना मैगुमी सारे शिकिगामियों का इस्तेमाल करता है, वहीं सुकुना लिटरली बिना कर्स एनर्जी के इसके सारे वारों को डॉज करता है। और तभी मैगुमी रियलाइज करता है कि सुकुना से लड़ते लड़ते उसको और शिकिगामीज नहीं खोने, पहले भी उसका डिवाइन डॉग मारा जा चुका है। सुकुना उसकी शैडो टेक्निक देख काफी इंप्रेस था, जहां मैगुमी उसको अपने बारे में बताता है कि उसकी बहन थी, उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा लेकिन तब भी उस पे कर्स एनर्जी डाली गई, उसके फादर भी उसको छोड़ के चले गए। कभी कभी कर्मा अच्छे लोगों के साथ वापस नहीं आता। उसकी ये बातें सुनके अपना इतादोरी वापस अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है और फिर वो वहीं ऑन द स्पॉट गिर जाता है। और वहीं हमें दिखाए जाते हैं अपने जुजुत्सु कैसन के मेन चार विलन। देखो मुझे इनके बारे में तुम्हें डिस्क्रिप्शन नहीं देना, तुम्हें पता है ये लोग कौन है। गोजो जब एग्जीक्यूटिव के मुंह से न्यूज सुनता है कि इतादोरी मारा गया, गोजो को बहुत गुस्सा आता है बिकॉज सारे हाई रैंक वाले लोग यही चाहते थे कि इतादोरी मर जाए। गोजो ही अकेला उसका सेंसे था जो चाहता था कि ये और जिए। तभी वहाँ पे डॉक्टर शोको आती है, जहाँ वो अपने गोजो से परमिशन लेती है कि क्या वो गोजो सेंसे के स्टूडेंट की बॉडी चेक कर सकती है। परमिशन मिलते ही शोको अपना काम करती है और इधर हमें मैगुमी और नोबारा दिखाए जाते हैं। वेल तभी उनके पास आ जाती है सेकेंड ईयर स्टूडेंट माकी ज़ेनिन। माकी उन पे चिल्लाती है कि तुम दोनों इतना सैड क्यों बैठे हो। वहीं फिर पांडा और इनुमा की समझाते हैं कि इनका एक मेंबर मर चुका है। फिर मैगुमी नोबारा को बताता है कि ये सभी लोग हमारे सेनपाइज हैं और एक और सेनपाई है यूटा जो कि कहीं जा रखे हैं। तभी माँ की उन दोनों को कहती है कि तुम लोग आओ बैटल कंपटीशन में हिस्सा लो, क्योंकि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को तो निकाल दिया गया है, अब तुम लोग बचे हो और हमें और पार्टिसिपेंट चाहिए। जहाँ ये दोनों ही इनकी बात मान जाते हैं और वो चाहते थे कि वो इतादोरी के लिए ज्यादा पावरफुल बने। फिर हमें जोगो और गेटो की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ गेटो उसको बता रहा था कि कर्सेस को इंसानों जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और वो आगे बताता है कि अगर तुम्हें सॉर्सरर्स को मारना है तो पहले तुम्हें गोजो साधुरो को मारना होगा, उसके बाद सुकुना को अपनी ओर करना होगा। जोगो उसको कहता है लेकिन सुकुना तो मारा जा चुका है ना। और वेल अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि अपना सुकुना इतादोरी की बॉडी से बात कर पा रहा है, जहाँ पे इतादोरी बहुत गुस्सा है उससे। फिर उन दोनों की लड़ाई होती है, जहाँ ऑब्वियसली अपना इतादोरी ही हारता है। जहाँ फिर सुकुना उससे डील करना चाहता था, वो उसको बताता है कि तुम अभी मरे नहीं हो, तुम बस मेरे दिमाग के अंदर बैठे हो। सुकुना फिर इतादोरी के पास दो शर्तें रखता है। पहली शर्त कि जब मर्जी सुकुना चाहे उसकी बॉडी से एक मिनट का कंट्रोल लेगा, उस वक्त वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा, वो बस एक मिनट के लिए कंट्रोल लेगा। दूसरी शर्त थी कि जिंदा होते ही अपना इतादोरी ये शर्त भूल जाएगा। इतादोरी उसकी बात नहीं मानता, उसको पंच मारता है। और फिर इतादोरी चाहता था कि वो बिना किसी इच्छा के जिंदा हो। और वाला फैसला यही था कि इन दोनों में से जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। जहाँ फिर से लड़ाई होती है और सुकुना उसके सर के दो हिस्से कर देता है। दूसरी तरफ अपना सातुरो बहुत सैड हो रखा था। उसका ये मानना था कि यूटा और इतादोरी जैसे लोग जो होते हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि फ्यूचर में अपने सातुरो को सरपास कर सकते हैं, लेकिन अपने इतादोरी को खोकर गोजो काफी बुरा फील कर रहा है। और बीसी जैसी शो को अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली थी, इतादोरी वापस उठ गया। ये देखकर गोजो काफी खुश होता है, उससे हाई फाई करता है और शोको को कहता है कि रिपोर्ट में अभी भी डेड लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतादोरी अपने आप को इम्प्रूव करे, ताकतवर बने और हील करे। मैं नहीं चाहता कि उससे पहले कोई उस पर अटैक कर दे। और तभी हम जोगो और गेटो को देखते हैं, दोनों ही कैफे में बैठे हुए थे, जहाँ जोगो पूछता है कि अगर गोजो सातुरो बच गया तो क्या होगा। गेटो बताता है कि अगर गोजो सातुरो को तुमने छोड़ दिया तो वो एक एक करके तुम सभी को मारेगा। आगे गेटो फिर अपने जोगो को बताता है कि अगर तुम्हें सातुरो को हराना है तो तुम्हें एक प्रिज्म रेलिम टूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद ये सुनते ही जोगो जो होता है वहाँ के सारे स्टाफ्स को जला देता है। और तभी वो गेटो से पूछता है कि तुम एक बात बताओ, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ या सुकुना। गेटो बताता है कि तुम सुकुना की 8 फिंगर्स बराबर ही हो अभी। और फिर हम अपने मैगुमी को देखते हैं, जो कि उसी औरत के पास गया था जिसके बेटे को हनामी ने मारा। वो कहता है कि हम आपके बेटे को तो बचा नहीं सके लेकिन इसका टैग ले लो, और ये टैग देकर वो वहां से चला जाता है। वहीं माकी और पांडा के साथ अपनी नोबारा और मैगुमी ट्रेन हो रहे होते हैं, और दूसरी तरफ अपना सातुरो इतादोरी को कर्स एनर्जी की ट्रेनिंग देता है। गोजो एग्जांपल देते हुए इतादोरी को बताता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कर्स एनर्जी की तरह होती है, और जो अप्लायंसेस होते हैं वो कर्स यूजर की तरह होते हैं। आगे भाई गोजो उसको बताता है कि जो भी सॉर्सरर्स होते हैं वो 80% टेक्निक अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। ये सुनते ही इतादोरी रो पड़ता है, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली कोई टेक्निक तो थी नहीं। फिर गोजो उसको बताता है कि तुमने सुकुना की उंगलियां खा रखी है तो तुम सुकुना की टेक्निक्स यूज कर सकते हो। आगे अपना सातुरो उसको जाने से पहले कहता है कि उसको ये काफी सारी घटिया पिक्चरें देखनी होंगी ताकि वो
अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सके। और वो अपने प्रिंसिपल की एक डॉल भी देता है जिसमें इतादोरी का काम था कि वो डेली अपनी कर्स एनर्जी डाले, और अगर वो ये नहीं कर पाता है तो ये डॉल है वो अपने इतादोरी पे हमला करेगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि मैगुमी प्रैक्टिस कर रहा है कि वो अपनी परछाई के अंदर अपने कर्स टूल्स कैसे छुपा सके। इधर अपनी नोबारा टोक्यो में शॉपिंग कर रही है और अपना इतादोरी आराम से बैठकर जूस पी रहा है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है ये डॉल उस पर वापस अटैक करती है। सातोरू उसको कहता है कि तुम्हें अपना फोकस रखना होगा, और फिर वो आगे कहता है कि वो प्रिंसिपल से मिलने क्योटो जा रहा है। वेल जाने से पहले वो इतादोरी से पूछता है कि सुगुना ने तुम्हारे साथ कोई डील की थी क्या। इतादोरी उसको बताता है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। आगे सातोरू जैसे ही गाड़ी के साथ आगे जा रहा होता है वो रियलाइज करता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो अपने असिस्टेंट को आगे जाने को बोलता है और वो वहीं खड़ा हो जाता है। और तभी उस पर अटैक करने के लिए जोगो आ जाता है, और तभी जोगो अपने वोल्केनो टूल का इस्तेमाल कर सातोरू पे हमला करता है। सातोरू को तो कुछ नहीं होता बिकॉज या ही इज टू पावरफुल, लेकिन वो एकदम हैरान हो चुका था कि एक स्पेशल कर्स यूजर जो कि अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो कि सुकुना लेवल पावरफुल है, और सबसे बड़ी बात कि वो अब बोल भी सकता है। फाइट शुरू होती है जहाँ पे अपना सातोरू एक एक करके जोगो के सारे वार डॉच करा जा रहा था। जोगो हैरान हो चुका था कि भाई मैं सातोरू को मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। वेल तभी सातोरू उसको बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम देख पा रहे हो कि तुम मुझे छू नहीं सकते, ये कमाल मेरी इन्फिनिटी टेक्निक्स का है, तुम कभी मुझे छू नहीं पाओगे। और तभी अपना सातोरू अपना कॉन्वर्ज रेड अटैक इस्तेमाल करता है। वेल उस एनर्जी से जोगो फॉरेस्ट में गिर चुका था, वो पूरी कोशिश करता है उठने की, लेकिन सातोरू उसको बहुत मारता है, वो इतना मारता है कि वो पॉन्ड में गिर जाता है। और तभी जोगो रियलाइज करता है कि गेटो ने जो बोला सातोरू के बारे में वो एकदम सच था, और भाई तुम यकीन नहीं करोगे अपना सातोरू इतादोरी को उठा के यहाँ ले आता है। वो जब गया था वो देख रहा था कि इतादोरी अच्छे से अपनी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसको उठा के यहाँ ले आता है ताकि वो दिखा सके कि डोमेन एक्सपेंशन क्या होता है। आगे अपना सातोरू जोगो को बताता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट है और ये यहाँ पे चीजें सीखेगा। जोगो कहता है कि तुम अपने साथ इस बच्चे को भी मारने की तैयारी में हो क्या। सातोरू कहता है कि कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो। और ये सुनते ही जोगो एकदम वोल्केनो की तरह फट जाता है, जिसे देखकर इतादोरी हैरान था कि मेरा सेंसे उसको कमजोर कह रहा है। जोगो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो वहीं पर ही अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद अपना सातोरू इतादोरी को बताता है कि डोमेन एक्सपेंशन ऐसी जगह होती है जो कि एक तरह का वॉइड होता है, जो कि एक यूजर क्रिएट करता है ताकि उसकी पावर डबल हो जाए, और उस वॉइड के अंदर जो भी एनिमी होता है उसको ये अटैक पक्का लगता है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि या तो हम इस डोमेन से निकल जाए या फिर हम इस पर अटैक करें। आगे फिर अपना सातोरू इतादोरी को बताता है कि कभी भी ऐसे वॉइड में फंसो तो उसका बस एक ही रास्ता है कि तुम्हें अपना डोमेन खोलना होगा, और जिसका डोमेन ताकतवर रहा वही जीतता है। जोगो जैसे ही सातोरू पे हमला करने वाला था तभी अपना सातोरू डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है जो कि था अनलिमिटेड वॉइड, और बूम भाई एक लाइट सी चली जाती है जहां जोगो देख पा रहा था कि सातोरू के डोमेन में पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज पड़ी है। और तभी अपना सातोरू आता है और उसकी बॉडी से उसका सर अलग कर देता है, और अब वो उस जोगो से पूछता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। दूसरी ओर हनामी और गेटो ऊपर से देख रहे होते हैं जहां गेटो जाने से इनकार कर देता है, और तभी अपना सातोरू देखता है कि उसकी ओर एक भाला आया जो कि फ्लावर में बदल चुका है। आते ही चारों तरफ चीजें फ्लावर की बन चुकी है, और तभी लकड़ी की बनी चीज अपने इतादोरी का पैर खींचती है। सातोरू को जैसे ही रियलाइज हो पाता तभी वो देखता है कि एक कर्स मॉन्स्टर जोगो का सर लेकर वो वहां से भाग चुका है। दूसरी तरफ इतादोरी अपने सेंसे सातोरू से माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसका सर लेकर भाग गया। आगे अपना सातोरू इतादोरी को कहता है कि अगले एक महीने तक तुम मेरे साथ इंटेंस ट्रेनिंग करोगे। वहीं प्रिंसिपल असिस्टेंट पे चिल्लाता है कि सातोरू यहां पर क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गेटो और हनामी जोगो का सर लेकर दोनों ही एक अलग डोमेन में आते हैं जहां पर उनकी मुलाकात होती है माहितो से, और अब वो लोग समझ चुके थे कि सातोरू कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जहां उनका मेन प्लान यही था कि वो लोग अक्टूबर 31st को शिबुया में गोजो का काम तमाम करेंगे। अगली सुबह हम लोग माकी और पांडा को देखते हैं जहां वो दोनों ही बात करते हैं कि कियोटो से प्रिंसिपल की इनसे मीटिंग होने वाली है और वापस से अपने घटिया स्टूडेंट्स को लाएंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि अपना मैगुमी और नोबारा के सामने आ चुके हैं टोडो और मिया। ये दोनों ही प्रिंसिपल के साथ आए थे जहां ये दोनों मिलकर नोबारा और मैगुमी को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा एक मेंबर मर चुका है। आगे टोडो मैगुमी को बताता है कि तुम यूटा की जगह पर आए हो तो मुझे ये बताओ तुम ताकतवर हो या नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। ये सुनते ही मैगुमी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, और तभी उन लोगों की फाइट वहीं पर ही शुरू हो जाती है जहां पे अपनी नोबारा माकी के सामने उसकी बहन की तारीफ कर उसको चिढ़ाती है। वहीं टोडो मैगुमी के टेस्ट से काफी खुश नहीं था और वो भी उससे लड़ना चाहता था। मैगुमी एकदम हैरान था क्योंकि एक बार शिबुया में ही 100 कर्स स्प्रिट आ चुकी थी और टोडो ने उनको बिना किसी टेक्निक के मार दिया था। मैगुमी अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन तब भी वो टोडो को नहीं हरा पा रहा था, और भाई टोडो उसको लिटरली मार देता पूरा का पूरा। लेकिन तभी वहां पर इनू माकी और अपना पांडा आकर मैगुमी को बचा लेते हैं। दूसरी ओर भाई माकी आकर नोबारा को बचा लेती है अपनी बहन से, और तभी नोबारा और माकी तीनों मिलकर मिया को ही पकड़ लेते हैं। आगे नोबारा माकी से पूछती है कि आपके पास सही में कोई कर्स एनर्जीज नहीं है। माकी बताती है कि मेरी फैमिली में हमेशा से लोग मुझे चिढ़ाते आए हैं और मुझे उनको अच्छा प्रूफ करना है कि मैं एक बेस्ट सॉर्सरर हूं। हां मेरे पास कोई कर्स स्पिरिट नहीं है लेकिन मैं कर्स टूल के इस्तेमाल से काफी पावरफुल बनूंगी। और वेल अगले सीन में हमें प्रिंसिपल गाकुगांजी दिखाए जाते हैं जहां
जहाँ पर अपना सातुरो उनसे मिलने आया था और उनसे मिलने के लिए अपने सातुरो ने अपने असिस्टेंट को घूस दी थी। वो उनसे बात करता है कि आप उसी मीटिंग में थे जिसमें इतादोरी को मारने का फैसला लिया गया, और वो लिटरली प्रिंसिपल की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, वो तो फुल ऑन डिसरिस्पेक्ट करता है। लेकिन जो प्रिंसिपल की असिस्टेंट थी वो तो एकदम दीवानी ही थी अपने सातुरो की। आके सातुरो प्रिंसिपल से बात करता है कि हमारे ट्रेडिशन अभी भी पुराने हो रखे हैं, जहां वो बताता है कि उसने आज दो कर्स यूजर्स देखे जो कि बोल पा रहे थे और वो बाकी स्टूडेंट से ज्यादा ताकतवर थे। और फिर वो आगे बताता है कि अगर हम अपने ओल्ड ट्रेडिशंस में ही चलते रहे तो ये कर्स स्पिरिट हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। गाकुगान जी को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, प्रिंसिपल यही सोचता है कि ये बस बकवास कर रहा है। वेल ये सुनते ही अपना इतादोरी उनको कहता है कि चलो ठीक है मैं चल रहा हूँ, और हाँ प्रिंसिपल को आने में अभी 2 घंटा और लगेगा। और अब इधर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सिनेमा में 3 लोग मर चुके थे और वहाँ पर कर्स यूजर माही तो मौजूद था, लेकिन तभी उस कर्स यूजर को एक लड़का देख लेता है। दूसरी तरफ उसी जगह इतादोरी और अपना ननामी आ चुके थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। वही यहाँ में दिखाया जाता है कि काकुगान जी की जो असिस्टेंट है वो गोजो से फोटो ले लेती है और टोडो मिया के साथ किसी आइडल के पास जाता है। उसके पास एक टिकट और थी जहाँ वो उससे कहता है कि जाओ तुम भी मिलाओ। आइडल से मिलकर मिया को काफी अच्छा लगता है। एंड या इसी के साथ जुजुत्सु काइसन फियरसम वॉमार का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। मुझे एहसास हुआ कि तुम लोगों को ये पर एपिसोड पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि ऑलरेडी ये हिंदी डब हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक एक आर्क में इन सबको एक्सप्लेन कर दूं। बाकी इस वीडियो में हमने कवर करा एपिसोड 5, 6, 7, 8 को, तो हाँ पुराने एक्सप्लेनेशन के लिए ये प्लेलिस्ट देख लेना। सीजन 2 की भी प्लेलिस्ट तुम्हें अभी दिखाई दी जाएगी। बाकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो। चलो फिर मैं मिलूंगा तुम सभी से अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए हिंदी साइनिंग ऑफ, नमस्ते।